सीएफए की अध्यक्ष मेनका गांधी के आदेश के बाद ही एक घायल घोड़े का इलाज संभव हो पाया। दरअसल शुक्रवार की सुबह किसी अज्ञात वाहन ने दिल्ली रोड जीरो पॉइंट पर इसे टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कई घंटे तक सड़क पर पड़े होने के बाद कुछ स्थानीय जागरूक लोगों ने इसकी सूचना पहले जिला प्रशासन को दी और फिर पीएफए की अध्यक्ष मेनका गांधी से इसकी शिकायत दर्ज कराई। कुछ देर बाद ही मुरादाबाद प्रशासन हरकत में आ गया और नगर निगम रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया। मौके पर मौजूद एक जागरूक महिला द्वारा की गई कोशिश ने घायल जानवर की जान बचाई। वहीं एक स्थानीय वेटनरी प्रैक्टिशनर ने भी घायल घोड़े का उपचार करते हुए समाज के लिए एक मिसाल पेश की। जहां लोग जिंदगी की भागम भाग में इंसानों के लिए समय नहीं निकाल पाते, वहां कुछ जानवर प्रेमी जागरूक लोगों ने एक घोड़े की जान बचाई है। कैसे हुआ भाई साहब जी? कैसे हुआ ये? सुबह 8 बजे करीब हुआ था भैया। मैं वेटरनरी की पढ़ाई कर रहा हूँ, नॉलेज है मुझे, तो मुझे लोग बाग लेने पहुँचे थे 9 बजे करीब। मैंने इसकी जांच करी, इसकी बोन टूटी हुई है, पूरी लिगामेंट टूटा हुआ है इसका पूरा, और जहाँ तक डिहाइड्रेट भी हो रही है, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस हो रही है बार बार। नहीं हुआ कैसे ये? ये एक्सीडेंट से हुआ था सर, गाड़ी वाला मार के गया था इसको। जब मैं आया था तो ये यहाँ थी और जहाँ मैंने इसकी जांच करी तो इसके हिप बोन टूटी हुई थी। ठीक हो जाएगा ये? ये सर हाँ ठीक हो जाएगा, अगर इसका ऑपरेशन होता है और इसके क्लिप लगते हैं, क्लिप, तो ये ठीक हो सकता है। क्या नाम है आपका? समित शर्मा नाम है सर। मैं करुणा शर्मा, ये पीएफए से मैंने मीनाक्षी जी को, अवस्थी जी को मेल किया और फ़ोन किया, मेनका गांधी जी को फ़ोन किया, तभी जाके यहाँ प्रशासन जागा है और कार्रवाई में, तो सुबह 9 बजे से अब तक ये टाइम हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 बज रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी नगर निगम की इतना कहने पर मीनाक्षी जी ने कही है, तब ये गाड़ी आई है, अब ये बरेली जनपद के अंदर अमित धीरज जी से ही बात हो गई है।